हेलो दोस्तों, ये देख लीजिए, ये क्या है? जस्ट अस्थित चीज है, एक बार देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। देख लीजिए, ये मैंगो, ये रेड आइवरी मैंगो है। इसका कलर देख लीजिए, जस्ट ऑसम। इसका साइज भी देख लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये रेड आइवरी मैंगो है, तो बहुत सारा लग गया है। ये हमारा मदर प्लांट है, जमीन के अंदर लगा हुआ, दो साल का प्लांट के अंदर इतने सारा फ्रूट्स लग गया है। ये रेड आइवरी मैंगो है। दोस्तों कैसे हो आप लोग? मैं आसिफ हूँ आपके साथ, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन गिफ्ट। दोस्तों ग्रीन गिफ्ट के आज के एपिसोड पर हम लोग बहुत सारा चीज़ दिखाऊंगा, तो चलिए वीडियो के अंदर जुड़े रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज जो है वो भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देरी ना किए, हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये अभी जो स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सब मैंगो का पौधा है। ये हमारा मदर प्लांट है, इसका छोटा पौधा हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग हमारा चैनल के अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, वो नंबर से कॉन्टैक्ट करके हमारे से इसका पौधा ले सकते हो। जस्ट अस्थिर क्या लग रहा है हमारी, इसका कलर, इसका साइज, इसका जो हेल्थ बहुत ही बढ़िया है। ये रेड आइवरी मैंगो है। तो दोस्तों रेड आइवरी का पौधा ग्राफ्टेड हमारे पास अवेलेबल है, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो, कुरियर के माध्यम से आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो लेने के लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और भी नया नया कुछ चीज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमारा एक मदर प्लांट है, इसका 3-4 साल एज हो गया है। ये थाई बेल इसको बोलते हैं, तो एक थाई बेल का पौधा है। देख लीजिए, ये दिखाने की कोशिश करूँगा, जमीन के अंदर लगा हुआ प्लांट है, ये हमारा मदर प्लांट है। इस प्लांट से ही हम लोग पौधा तैयार करते हैं। तो देख लीजिए इसके अंदर फ्रूट्स है, अभी इधर एक फ्रूट्स लगा हुआ, देख लीजिए कितना साइज है इस फ्रूट्स का, और ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों इसका भी छोटा पौधा जो इस प्लांट से हम लोग बनाया है वो हमारे पास अवेलेबल है। देख लीजिए ऊपर की तरफ भी एक फ्रूट्स लगा हुआ, ये थाई बेल का पौधा है। तो ये हमारा मदर प्लांट है, इसका छोटा पौधा हमारे पास ग्राफ्टेड पौधा मिल जाएगा, वो भी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। और ये ऑल टाइम भी होते हैं, देख लीजिए इधर ये फ्रूट्स लग गया है, उसके साथ साथ ये जो ब्रांच है इसके अंदर कितने सारा फ्लावर भी आ चुका है, तो शायद इस फ्लावर से भी फ्रूट्स लग जाएगा बहुत ही जल्द। तो इधर फ्रूट्स लगा हुआ, उधर फ्लावर लगा हुआ, तो ये ऑल टाइम भी होते हैं और बढ़िया दिखता है, इसका स्वाद भी बढ़िया होता है। तो इसका छोटा पौधा हमारे पास अवेलेबल है। और ये जो चीज़ है ये तो हम लोग जमीन के अंदर लगा रखा है, लेकिन ये जो प्लांट है ये गमले के अंदर भी हो जाएगा। हम लोग गमले के अंदर भी लगाया है, उसके अंदर फ्लावरिंग भी हुआ है, फ्रूट भी हुआ है। तो चलिए वो भी एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, नहीं तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे जो ये बेल का पौधा गमले के अंदर होते हैं, आपका रूफटॉप गार्डन के अंदर भी हो जाएगा। तो चलिए वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो हम लोग गमले के अंदर लगा रखा है, उसके अंदर फ्लावर भी है, फ्रूट भी है, और ऑल टाइम भी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग इसका छोटा पौधा भी देखूंगा किस तरह का पौधा हमारे पास अवेलेबल है भेजने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, ये हम लोग बेल का पौधा गमले के अंदर लगा रखा है, कितना छोटा गमले एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए इतना छोटा गमले के अंदर हम लोग लगा रखा है, इसके अंदर ये फ्लावर भी आ चुका है, देख लीजिए ये शायद इसके अंदर फ्रूट भी लग जाएगा बहुत ही जल्द। तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छा होता है ये चीज़, वो तो पहले ही वीडियो के अंदर दिखा दिया मैंने जो किस तरह का फ्रूट्स इसके अंदर लगता है। तो दोस्तों ये गमले के अंदर पौधा है, इसके अंदर फ्लावर आ चुका है, फ्रूट्स भी लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों और भी एक गमले के अंदर लगा रखा है, उसके अंदर भी फ्रूट्स आ गया है, तो चलिए वो देख लेते हैं एक बार, देखने के बाद हम लोग छोटा पौधा देखेंगे। दोस्तों देख लीजिए, ये भी हमारा गमले के अंदर लगा हुआ प्लांट है, ये भी छोटा गमले के अंदर, देख लीजिए शायद 8 इंच या 10 इंच गमले के अंदर लगा हुआ, इसके अंदर देख लीजिए फ्रूट्स आ गया है, ये इस तरह का फ्रूट्स इसके अंदर लगा हुआ, और ये इसका एज हो गया 1 साल प्लस। तो दोस्तों इसके अंदर फ्रूट है,
इधर देख लीजिए फ्लावर भी लग चुका है, तो बहुत ही जल्द इस ए फ्लावर से भी फ्रूट्स लग जाएगा। दोस्तों इधर फ्रूट्स है, इधर फ्लावर है, तो देख लीजिए ये सब ऑल टाइम होते हैं। इधर भी बहुत सारा फ्लावर लग गया है। तो दोस्तों आप लोगों का घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, यह चीज़ गमले के साथ हो जाएगा गार्डन के अंदर। ये थाई बेल है, देख लीजिए थाई बेल का एक विशेषता मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर एक भी जो काटा नहीं है, ये पूरी की पूरी काटा विहीन है, इसके अंदर कोई भी काटा नहीं है। ये थाई बेल है, थाई बेल का बहुत ही बढ़िया विशेषता ये है, इसके अंदर एक भी काटा नहीं रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह का गमले के साथ आपका रूफटॉप गार्डन के अंदर बेल का पौधा लगा सकते हो, हमारे पास अवेलेबल है और कुरियर के माध्यम से भी मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे से पौधा लेने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, तो हम लोग कुरियर के माध्यम से आपको घर तक पौधा पहुँच देंगे। तो चलिए और जो छोटा पौधा बेल का अवेलेबल है वो भी एक बार दिखा देती हूँ। दोस्तों देख लीजिए ये हमारा बेल का छोटा पौधा है, सब ग्राफ्टेड पौधा है, थाई बेल का पौधा है। ये देख लीजिए कितना हेल्दी प्लांट है, एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा अलग करके। देख लीजिए इस तरह का छोटा घोड़ा बैग के अंदर मिल जाएगा, सब ग्राफ्टेड प्लांट है, इसका जो हाइट है लगभग 1.5 फीट तक हो जाएगा अभी। तो दोस्तों इस तरह का सब हेल्दी प्लांट हमारे पास मिल जाएगा। आप लोगों का बूसी प्लांट देखने को मिल रहा है अभी, जिस तरह का प्लांट मिल रहा है उस तरह का ही प्लांट आपको मिलने वाला है, और भी एक अलग करके दिखाने के लिए बोलूँगा। तो चलिए देख लीजिए एक एक प्लांट के अंदर लगभग 3-4 ब्रांच के साथ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का प्लांट लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो यही तक है, मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, वीडियो देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।